जरा दिखाते हैं चुनावी विश्लेषक क्या कह रहे हैं। इनकी जो अभी से ही आकलन ये कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं, बड़े दिलचस्प है, सुनिए। सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सकता है। अब राजनीतिक विश्लेषक और जन सुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर से समझते हैं। वो 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं, आइए सुनते हैं। जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्यों लग रहा है कि 303 से बेहतर ही होगा? क्योंकि देखिए, इसका बहुत सिंपल और बोरिंग सा आंसर, बोरिंग इसलिए कि मैं मतलब एनीथिंग विच इज कंसिस्टेंट अपीयर्स टू बी बोरिंग। अब इस बात को मैं पिछले 6 महीने से दोहरा रहा हूं कि ये बड़ा सिंपल गणित है कि बीजेपी के 303 आएंगे कि नहीं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सीट और हवा और चैटर सबको किनारे रख दीजिए, पहले ये देखिए कि उनके 303 आए कहां से। 303 में करीब करीब 250 सीट उनके आए हैं नॉर्थ और वेस्ट से। आपको बस ये देखना है कि क्या नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटीरियल डैमेज हो रहा है। मटीरियल डैमेज का मतलब कम से कम 50 से ज्यादा सीटें क्या वो हार रहे हैं। और दूसरा जो देश का हिस्सा है, ईस्ट और साउथ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। तो इन 250-200 सीटों में क्या हो रहा है? इन 225-200 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है, बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े, क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा। तो सुना आपने, पीके यानी प्रशांत किशोर का तजुर्बा और आकलन यही कहता है कि बीजेपी 2019 के बराबर या फिर उससे ज्यादा ही सीटें लाएगी, यानी 303 सीटों से कम नहीं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं एक और राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का आकलन क्या कहता है। मुझे लगता है 400 पार वाला तो सिर्फ नारा था और उस नारे के बारे में तो चर्चा अब नहीं होनी चाहिए। अब कम से कम मैं नहीं कर रहा हूं कि ऐसा कोई सिनेरियो दिखाई पड़ता है जिसमें 400 पार हो। दूसरी बात है कि क्या 300 पार होता हुआ आंकड़ा, जो 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास 303 सीटें थी। मुझे लगता है जिस तरह से 6 दौर का हमने मतदान देखा और आपने जिस बात का जिक्र किया, कोई एक नेशनल मुद्दा बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ा। हर चुनाव में, हर दौर में मुद्दे बदलते रहे, उससे क्या संकेत मिलते हैं? संकेत बड़े साफ हैं। 2019 और 2024 के चुनाव में अंतर है। 2019 के चुनाव में एक नेशनल वेव था, एक नेशनल मुद्दा था, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। इसमें वैसे कोई मुद्दे दिखाई नहीं पड़ते, कोई नेशनल वेव नहीं है। तो अगर 19 जैसी स्थिति नहीं है माहौल के हिसाब से, तो मुझे लगता है 19 जैसे सीटें भी बीजेपी को आने की गुंजाइश मुझे कम दिखाई पड़ती है। लेकिन इन तमाम आकलन और अनुमानों के बीच पीएम मोदी को खुद पर पूर्ण विश्वास है कि 2024 में आएगा तो मोदी। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। मुझे G7 का फोन आया था कि हमें मीटिंग चाहिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार बनने वाली है। इस वक्त कयासबाजियों का दौर चल रहा है, चाय की दुकानों से लेकर नुक्कड़ तक यही चर्चा चल रही है किसको कितनी सीटें आएंगी। क्या 400 पार वाला कोई वेव आपको दिखाई दिया है, या फिर आपको लगता है 300 पार, 272 यहाँ पर कहीं पर मामला अटक सकता है? देखिए, कोई भी चुनाव होंगे देश के अंदर, और ये तो नेशनल चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो वेव और कांटे की टक्कर जरूर होगी। लेकिन देश एक विशाल देश है, 30 राज्य है, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है,
तो कहीं पर वेब है एक पार्टी के पक्ष में, कहीं पर वेब है दूसरी पार्टी के पक्ष में, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। इतना बताइए कि किसके तोप में ज्यादा गोला बारूद है? गोला बारूद तो नेचुरली जो इनकमबेंट होते हैं वो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा गोला बारूद दाग रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और बाकी दिक्कत ये है कि विपक्ष के गोला बारूद तो है वो, लेकिन बटा हुआ जरा अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों में, तो उत्तर पे नजर नहीं आता। नहीं, हिंट मेरे पास कुछ नहीं है भाई। अब 4 जून में ज्यादा वक्त नहीं बचा, नतीजे ही दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। आज तक ब्यूरो।